नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप छोटा घर बनाने वाले हैं और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि घर का डिज़ाइन क्या रखे, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे घर दिखाएंगे जो कि 15 से लेकर 30 फीट के फ्रंट पर बनाने के लिए सबसे अच्छी डिज़ाइन मानी जाती है। और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि इसको बनाना कैसे है। तो चलिए, बिना टाइम बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। फर्स्ट डिजाइन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यदि आपके घर का जो फ्रंट है वो 20 से 25 फीट के बीच है, तो आप ये वाला डिजाइन बना सकते हैं। इसमें आपको घर के फ्रंट पर एक बरामदा रखना होगा और बरामदे से सटा हुआ एक रूम होगा, और बरामदे में ही आपको घर की स्टेयर रखनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो घर की सीढ़ी है वो बरामदे में ही दी गई है, और बरामदे के सामने की जो स्लैब होगी वो 3 फीट आप देख सकते हैं कि बाहर की तरफ निकली होगी, जिससे ये वाला डिजाइन आपको देखने के फ्रंट में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ बगल में जो रूम है, इस रूम के फ्रंट पर आपको एक विंडो रखनी होगी, और विंडो के ऊपर जो लिंटर बनेगा उसमें पीओपी डिजाइन बनानी होगी। और विंडो के नीचे भी आप देख सकते हैं कि एक लिंटर निकाला गया है, इसमें भी पीओपी डिजाइन बनी हुई है, और विंडो के दोनों तरफ पिलर लगाए गए हैं। ये रेडीमेड पिलर मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएंगे। उसके बाद पैरापेट वॉल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेलिंग लगाई गई है जो कि स्टेनलेस स्टील की है। सेकेंड डिजाइन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एकदम नॉर्मल है, बट भाई दिखने में बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इसको भी बनाने के लिए घर के फ्रंट पर एक बरामदा रखना पड़ेगा, और बरामदे से सटा हुआ एक रूम होगा, और रूम को बरामदे से लगभग 3 फीट पीछे करके बनाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि बरामदे से 3 फीट पीछे करके रूम को बनाया गया है, और रूम के सामने की जो जगह बची हुई है उसको आप गार्डन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और इस बरामदे में भी आप देख सकते हैं कि घर की स्टेयर दी गई है, और इसके साथ साथ बरामदे से सटा जो हुआ जो रूम है उसमें आपको विंडो यानी कि खिड़की लगानी पड़ेगी। और ऊपर की डिज़ाइन की बात करें तो ऊपर आप देख सकते हैं कि स्टेनलेस स्टील कांच रेलिंग लगाई गई है। तीसरे डिज़ाइन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यदि आपके घर का जो फ्रंट है वो 20 से 30 फीट के बीच है, तो आप ये वाला डिज़ाइन बना सकते हैं। इसमें भी आपको घर के सामने आप देख सकते हैं कि फ्रंट पे एक बरामदा रखना होगा, और बरामदे से सटा हुआ स्टेयर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेयर दिया गया है। स्टेयर बनाने के बाद सामने की डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से बनानी है। सेकेंड प्लास्टर करते समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लास्टर की पट्टियाँ बनाई गई, और उसको बाद में बहुत ही अच्छे कलर में रंग दिया गया। कलर आप देख ही रहे हैं कौन सा है। नेक्स्ट, ये वाली डिजाइन ब्रिक यानी कि ईंट को जोड़कर बनाया गया, और ये वाली भी डिजाइन ईंट को जोड़कर बनाई गई है। और रेलिंग में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा स्टेनलेस स्टील लगाया गया है जो कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है। बाकी सारा वर्क जो है ईंट से हुआ है, और स्पेशली ये घर अच्छा इसलिए दिख रहा है कि भाई साहब प्लास्टर करते समय बहुत ही कलाकारी की गई है। तो यदि आप इस तरीके का लुक चाहते हैं तो आपको एक अच्छे प्लास्टर करने वाले को पकड़ना पड़ेगा, तभी ये सब डिज़ाइन बना पाएगा, ठीक है। और डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है, सभी पट्टियाँ वगैरह बनी है, और कलर बहुत अच्छा किया गया है। नेक्स्ट, ये वाली डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि यदि आपके घर का जो फ्रंट है वो 10 से 18 फीट के बीच है, यानी कि घर का जो फ्रंट है वो 10 से 18 फीट के बीच है, तो आप ये वाला डिज़ाइन बना सकते हैं। इसमें घर के बाहर एक छोटा सा बरामदा दिया गया है, और इसके साथ साथ बरामदे से सटा हुआ घर का स्टेयर है, यानी कि जो घर की सीढ़ी है वो बिल्कुल सामने यहाँ पर दी गई है। बाकी सामने एक गेट है, और गेट के साथ साथ ऊपर आप देख सकते हैं कि इस डिज़ाइन को अच्छा बनाने के लिए स्लैब के लिंटर को पूरी लंबाई में नहीं बढ़ाया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्लैब के लिंटर को नहीं आगे की तरफ बढ़ाया गया, और यहाँ पर पूरी लंबाई में, घर की पूरी लंबाई में एक बहुत ही अच्छी प्लास्टर की पट्टियों वाली डिज़ाइन दे दी गई, जिससे ये घर आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। फोर्थ नंबर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये घर का डिज़ाइन आप 10 से 15 फीट का यदि आपका फ्रंट है तो बना सकते हैं। इसमें सिंपली आप देख सकते हैं कि घर में आने जाने के लिए 3-4 फीट की एक गैलरी दी गई है, और गैलरी से सटा हुआ सामने की तरफ बिल्कुल घर का स्टेयर यानी कि सीढ़ी दे दिया गया है। देखिए, छोटा घर है, यदि आप स्टेयर यानी कि सीढ़ी सामने देंगे तो आपका जो घर है वो बहुत ही अच्छा दिखेगा, क्योंकि सीढ़ी देने से घर की जो लंबाई होती है वो एक फ्लोर बढ़ जाती है, जिससे घर की लंबाई बढ़ने से घर बहुत ही प्यारा दिखने लगता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सामने बाउंड्री वाल बनी है, बाउंड्री वाल में चारों तरफ प्लास्टर की पट्टियाँ बनाकर बीच में भी प्लास्टर की पट्टियों वाली डिज़ाइन की गई है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि घर के सामने जो स्टेयर है, स्टेयर में यहाँ पर कांच लगा है, और कांच के ऊपर आप देख सकते हैं ईंट को थोड़ा सा बाहर करके एक अच्छी डिज़ाइन बनाकर प्लास्टर करके उस पर पट्टियाँ बना दी गई, और बाद में पेंटिंग आप देख सकते हैं कि कैसे बनी है। बाकी ये जो पैरापेट वाल की डिज़ाइन है यानी कि छत के सामने की जो चारों तरफ की डिज़ाइन होती है, उसमें भी आप देख सकते हैं प्लास्टर करते समय उसमें प्लास्टर की पट्टियाँ बनाकर एक अच्छी अच्छी डिज़ाइन कर दी गई। 5 नंबर पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यदि आपके घर का जो फ्रंट है 20 से 25 फीट के आसपास है, तो आप ये वाला डिज़ाइन बना सकते हैं।
इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको घर के सामने पूरा का पूरा बरामदा रखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा एक बरामदा घर की पूरी लंबाई में रख लिया गया। और घर को अच्छा लुक देने के लिए सामने की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर बाउंड्री वाल बनाई गई है और बाउंड्री वाल में थोड़ा डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर प्लास्टर की पट्टियाँ बनाई गई और यहाँ पर ईंट को बाहर निकाल कर ये वाली डिज़ाइन बना दी गई। उसके बाद सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के लिए स्टेनलेस स्टील की पट्टियाँ काट कर जहाँ जहाँ पर ओपन था वहाँ पर ये वाला फ्रेम लगा दिया गया। और ऊपर आप देख सकते हैं कि स्टेनलेस स्टील और ग्लास का रेलिंग लगाया गया है। और नीचे आप देख सकते हैं कि स्लैब बनाते समय यहाँ पर डिज़ाइन बनाई गई है, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। अपने मिस्त्री को दिखा दीजिएगा, ये वाली डिज़ाइन बना देगा। 6 नंबर पॉइंट की बात करें, यदि आपके घर का जो फ्रंट है वो 20 से 25 फीट के आसपास है तो आप ये वाला डिज़ाइन बना सकते हैं। घर के बाहर आपको एक बरामदा रखना पड़ेगा और बरामदे में ही घर की स्टेयर यानी कि सीढ़ी होगी। और सीढ़ी के सामने की दीवार की डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि आपको बहुत ही प्यारा रखना पड़ेगा। और सीढ़ी के सामने वाली जो दीवार होगी वो आपको एकदम सीधा बनाना पड़ेगा, बीच में स्लैब को बाहर की तरफ नहीं निकालना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्लैब केवल बरामदे की दिशा में निकला हुआ है। जहाँ पर स्टेयर है वहाँ पर दीवार को पूरा डिज़ाइन देने के लिए बहुत ही अच्छे से लंबाई में बना लिया गया और बीच की स्लैब को बाहर नहीं निकाला गया। तो इस तरीके की डिज़ाइन आपको बनाना है। और ये प्लास्टर की दो पट्टियाँ बनाई गई और बीच में आप देख सकते हैं कि ईंट को जोड़कर 6 खानों में काटा गया और यहाँ पर भी प्लास्टर की पट्टियाँ बनाकर छोड़ दिया गया और वाइट कलर में पेंट किया गया। बहुत ही प्यारा दिख रहा है। और सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है टाइल्स लगाई गई और ऊपर आप देख सकते हैं कि लगभग 2 फीट के आसपास स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगा दी गई। बहुत ही गजब का डिज़ाइन ये दिख रहा है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यदि आपके घर का जो फ्रंट है वो 20 से 25 फीट के आसपास है तो आप ये वाला डिज़ाइन बना सकते हैं। सामने आपको एक रूम रखना पड़ेगा और इसके साथ साथ रूम के से सटा हुआ एक छोटा सा बरामदा होगा जिसकी चौड़ाई लमसम 6 फीट के आसपास होगी। और बरामदे में ही आप देख सकते हैं कि आपको घर की स्टेयर यानी कि सीढ़ी रखनी पड़ेगी। बाकी ईंट को जोड़कर ये वाली डिज़ाइन बना के आपको प्लास्टर कर देना है। और इसके साथ साथ ऊपर पैरापेट वाल में भी आप देख सकते हैं और सामने बाउंड्री वाल की डिज़ाइन आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा दिख रहा है। 8वें नंबर पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यदि आपके घर का जो फ्रंट है वो 20 से 30 फीट के बीच है तो आप ये वाला डिज़ाइन बना सकते हैं। सामने की तरफ एक बड़ा रूम दिया गया है और उसके बगल में आप देख सकते हैं घर की स्टेयर यानी कि सीढ़ी प्लस बरामदा साथ में है। और स्टेयर के सामने आप देख सकते हैं कि स्टेयर की पूरी लंबाई में ये वाली डिज़ाइन बनाई गई और ऊपर स्लैब को जो है वो स्लोप में बना दिया गया जिसके कारण ये वाली डिज़ाइन आपको देखने को मिल रही है। बनाना बहुत आसान है, मिस्त्री को दिखाइएगा सेम टू सेम यही बना के दे देगा। इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है, केवल ईंट को जोड़कर ही बनाया गया है। नेक्स्ट आपके घर का जो फ्रंट है वो 30 से 35 फीट के आसपास है तो आप ये वाली डिज़ाइन बना सकते हो। इस डिज़ाइन में घर के फ्रंट पर एक बरामदा बनाया गया, बरामदे में ही घर की स्टेयर यानी कि सीढ़ी है और बरामदे से सटा हुआ एक रूम है और रूम से सटा हुआ आप देख सकते हैं कि ये किनारे पर जो है ये बाथरूम है। और रूम के फ्रंट पर आपको एक खिड़की रखनी पड़ेगी और खिड़की के बाद जो आप प्लास्टर करेंगे इस दीवार पर उस प्लास्टर में आपको प्लास्टर की पट्टियाँ बनानी पड़ेगी। और इसके साथ साथ ये वाली जो डिज़ाइन है ये ईंट जोड़कर बनाई गई और अभी यहाँ पर स्टेनलेस स्टील का यदि रेलिंग लग जाएगा तो ये दिखने में और भी अच्छा दिखेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से नंबर की डिज़ाइन सबसे अच्छी लगी। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।